ओ हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के बारे में। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड है और आप चाहते हैं कि अपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर जो रजिस्टर्ड आपका ईमेल एड्रेस है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं अपने बजाज फाइनेंस कार्ड से, या फिर आप अपने ईमेल एड्रेस को आप लिंक करना चाहते हैं अपने बजाज फाइनेंस से, तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपको चेंज किस तरह से करना है। अगर आप लिंक करना चाहते हो तो किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, तो ये वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके मोबाइल पर बजाज फाइनेंस इंस्टेंट लोन एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है आपको, नहीं तो इसकी लिंक मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके से इंस्टॉल कर लेना। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। बजाज फाइनेंस एक्सपीरिया ये इस एप्लीकेशन का नेम है दोस्तों। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन को हमें एग्री करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, एक्सेप्ट। उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें वेलकम टू बजाज फाइनेंस, यहाँ हमें सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ से इंग्लिश पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हमें पूछ रहा इंटर मोबाइल नंबर, जो हमारा रजिस्टर्ड बजाज फाइनेंस जो हम पहले कार्ड अप्लाई कर रहे थे, जब हमने रजिस्टर्ड करवाया था अपना मोबाइल नंबर, वही नंबर हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इंटर ओटीपी, यहाँ हमें ओटीपी पूछा जा रहा है, तो जो हम अभी मोबाइल नंबर टाइप किए थे उस पर एक ओटीपी कोड आता है, वो ओटीपी कोड हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ओटीपी टाइप कर लिया है, अब सिंपली मैं क्या करता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गया है टोटली। तो यहाँ हमारा सारा डिटेल, जो भी हमारा लोन है उसके सारे प्रोसेस, जितना भी हमारा लोन अभी पेड हुआ है, अभी जितना बाकी है, सारा कुछ इसके अंदर आपको शो करेगा। तो अभी मेरा कार्ड टेम्पररी ब्लॉक है, कुछ एक ड्यू थोड़ा ड्यू हो गया था, इसलिए मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो आप चाहे तो आपका लोन अभी कितना पेड हुआ, अभी कितना बाकी है, सारा कुछ यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। तो हमें ईमेल आईडी और नंबर चेंज करने के लिए इस वीडियो के ऊपर आए थे हम। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ थ्री डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए माई प्रोफाइल, हमें फर्स्ट में माई प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है दोस्तों। पहला तो नेम है मेरा, उसके बाद पैन कार्ड नाम है, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ईमेल, ईमेल पर हमें यार पेंसिल का मार्क दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहीं से हमें यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस लिंक करना है ईमेल एड्रेस को। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर पेंसिल वाले मार्क पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने पेंसिल वाले मार्क पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ प्लीज इंटर ईमेल आईडी, तो सो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर ली है। अब नीचे देखिए चूज एन ऑप्शन, यहाँ पर हमें यहाँ पर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल देना है, या नहीं तो ईएमआई कार्ड नंबर, या नहीं तो बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ में तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पर डालना ही डालना है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ से पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। अब उसके नीचे क्लिक हियर टू जनरेट ओटीपी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर एक्सिंग मोबाइल नंबर, प्लीज़ इंटर द ब्लो इन टू रिसीविंग द सम इन सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमें ओ टी पी जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर भेजा गया है, तो मोबाइल नंबर पर मैं ओ टी पी यहाँ से। हाँ तो दोस्तों मैंने अपना ओ टी पी नंबर यहाँ पर इंटर कर लिया है। अब सीधे डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एक योर ईमेल आईडी विल बी अपडेटेड इन 48 आवर्स पोस्ट कन्फर्मेशन, तो ये हमारा 48 घंटे में हमारा ये जो भी हम ईमेल एड्रेस डाले दोस्तों वो हमारे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ से ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस हमारा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, 48 आवर्स में हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी आप अपने कार्ड पर इंफॉर्मेशन दिए थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आपको सारे यहाँ पर आपको योर प्रोफाइल पे आपको मिल जाते हैं। आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड नंबर सब मिल जाता है आपका। तो अगर आपको चेंज करना है तो कुछ इस तरह से स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में।